कालकूटं जिघांसया पाए दप्य साधवी लेभे गतिं धात्री च्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े दयालु हैं, जब कभी ऐसे विरह की आर्त हृदय से पुकार पुकारोगे, श्री कृष्ण की आकर्षणी बंसी किसी भी दिन बज जाएगी और जहां लोटे पोटे होगे ठाकुर खेचे ही लेंगे। पर पुकारो भी तो, कि तुम्हारे बदले में कोई प्रॉक्सी पुकारेगा भी तुम्हारी तरफ से, पंडित जी लगाओगे पुकारने के लिए, ये पंडित जी जरा पुकार दीजिए तो भगवान आ जाए हमारे पास। कैसी मती मारी गई है तुम्हारी, जरूर पंडित जी को रखिए, उनसे विधि पूछिए, पर स्वयं करिए बैठकर, स्वयं आरती उठाइए। केवल दीपक न जले, भीतर आर्त हृदय भी जलता रहे उनकी बिरहागनी में। कब मिलोगे गोपाल, कब मिलोगे गोपाल, कब मिलोगे। इसलिए रास का अर्थ, जब इन तीनों चीजों से मुक्त होकर गोपी गई है, तब ठाकुर ने रास में सम्मिलित किया है। और हम आप 22-22 रुपए के डंडे खरीद के डांडिया करते करते कह रहे हम रास करके आ गए। गोपी संचय त्याग दी, गोपी वितरण त्याग दी, गोपी विधि त्याग दी परम निधि को पाने के लिए। और तुम डीजे बजाए बजाए के डंडा पीट पीट के तुम कह रहे हो कि हम रास करके आ रहे हैं, हम रास करके आ रहे हैं। ये रास नहीं, ह्रास है। तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे शांति का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भक्ति का ह्रास है, ये रास नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने रास किया है। गोपियों को अहंकार हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किशोरी जी ने फिर कृपा करी, किशोरी जी भी बैठी थी आगे, गोपियों ने ढूंढा। देखो, इतनी परीक्षा के बाद, इतना सब करने के बाद भी जब श्री कृष्ण मिले तो सुप्त अहंकार जग गया इतना सा। और ठाकुर कह रहे हैं, गोपी तुम दुनिया को राह दिखाने आई हो, पर तुम्हारे भीतर भी अहंकार, सब छोड़ दी, मटकी तोड़ दी, घर छोड़ दिया, सब हटा दिया, और अब कृष्ण के पकड़ने का अहंकार, मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए मेरे साथ। ठाकुर अकेले अकेले नाच रहे थे सबके साथ में, सबको लगे बस हमारा ही हाथ पकड़े हैं। ठाकुर तो फिर महाराज अनंत रूप रूप आए, कितने रूप बना के। ये जो अंतिम अहम की इतनी छोटी सी कड़ी बची थी, ठाकुर ने उसे भी किशोरी जी के चरणारविंद में उन्हें ले जाके, ये पुरुषार्थ से खूब ढूंढती, खूब रोती, खूब ये करती, बोला अब पुरुषार्थ से काम नहीं बनेगा, पुरुषार्थ से तो हुआ, अब प्रार्थना ही काम बनाएगी। और तब यमुना जी के पुलिन पर जहां से खोए श्री कृष्ण, जो चीज जहां खोती है वहीं पर होती है, याद रखना, जो चीज जहां खोती है वहीं होती है। अगर दिल में चैन नहीं है तो चैन की चाबी भी दिल में ही होगी, बाहर कहां ढूंढ रहे हो। अगर अंतःकरण में बेचैनी है तो फिर बाहर कहां ढूंढ रहे हो, लोगों के बीच, संबंधों के बीच, वस्तुओं के बीच, स्थानों के बीच, वस्त्रों के बीच। जो चीज जहां खोई है वहीं है, वहीं मिलेगी। और अब किशोरी जी को देखकर गोपियां रोने लगी। हे किशोरी जी तो खुद ही, किशोरी जी को भी लीला के तहत गुरु रूप में छोड़कर ठाकुर जी चले गए हैं। सारी गोपियां आईं और आकर किशोरी जी के चरणों में गिर पड़ी। राधे
एक बार फिर से सांवरिया से मिला ले। मोरी राधे एक बार फिर से गोविंद मिला दे। हार गई हम रोते रोते, छिन गई सब कुछ सब होते होते। मोरी राधे एक बार फिर से गोविंद मिला दे। सभी गोपियां रोती हैं, किशोरी जी भी क्रंदन कर रही हैं, और तब जीव के भीतर जब समस्त दुर्गुणों का अवसान होता है और अपने भक्ति की पराकाष्ठा पर, समर्पण की पराकाष्ठा पर, वैराग्य और त्याग की पराकाष्ठा पर जब जीव पहुंचता है, तब फिर वो उसकी अंतिम प्रार्थना होती है, अंतिम गीत होता है, जिसे श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी के प्राण स्वरूप गोपी गीत के रूप में जाना जाता है, गोपी उद्गीत। 19 श्लोकों का यह गीत पूरे जगत के लिए श्री कृष्ण से मिलन का खुला चेक, ब्लैंक चेक। तुम चाहो तो तुम भी भरो,